नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में रावण दहन कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर रावण का पुतला बनाकर दहन किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कोविड की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। पिछले दो सालों से कोविड-19 को लेकर पूरे भारतवर्ष में हर त्यौहार फीका नजर आया। इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हरिद्वार की कुछ अन्य जगहों पर रावण के पुतले बनाए गए, तो कहीं रामलीला कमेटी के अंदर ही सूक्ष्म रूप से रावण का पुतला दहन किया जाएगा। द्वार स्थित महाकुट क्षेत्र में जो कि श्री निरंजनी रामलीला कमेटी के हमारे भोला शर्मा जी आज हमारे साथ हैं और आज रावण दहन का दिन है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आज रावण दहन किस रूप में, कैसे और क्या विशेषता है इनकी। भोला शर्मा, आपका नमस्कार। पहले तो आपकी भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप एक मीडिया देश की आवाज़ हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर कर लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हो। आपका भी स्वागत मैं करता हूँ, नमस्कार। तो आज क्या रावण दहन का जो दिन है, तो इसको क्या विशेषता, क्या पूर्ण कैसे मनाया जाता है? श्री निरंजनी रामलीला संस्था की तरफ से इस बार रामलीला का मंचन बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। अब कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि आने वाली ये युवा पीढ़ी है ना, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, वो मोबाइल की दुनिया में बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, तो उस मोबाइल की दुनिया से हटाकर नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए भगवान श्री राम कौन थे, उनको 14 साल का वनवास क्यों हुआ, भगवान श्री राम से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बने। ये बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। हमारे इस स्टेज के माध्यम से हम जितना भव्य श्री राम का मंचन हो सकता है, जितनी लोगों तक अपने धर्म का प्रचार हो सकता है, हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज क्या मुहूर्त का समय है जो दहन किया जाएगा? आज बहुत ही शुभ दिन है, विजयदशमी का दिन है। आज के दिन ही श्री राम ने, मर्यादा श्री भगवान राम जी ने रावण का ध्यान कर लंका को फूंक आज विजय बनाया था आज के दिन। तो आज उसी के दिन को बहुत ही उल्लास से बनाते हुए छोटा सा पुतला हमारी निरंजनी रामलीला की संस्था की तरफ से, अभी रामायण का संपूर्ण पाठ हुआ किया जाता है रामायण करते समय, तो उस पाठ को आज पूरा हवन आहुति देकर सब लोग कमेटी के मेंबर बैठकर पूजा करने के बाद रावण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत विद्वान माने जाते थे पूरे भारत के, पूरे विश्व के बहुत विद्वान पंडित माने जाते थे, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद उनका पुतले का दहन किया जाता है। आपने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करा है, कोरोना गाइडलाइन का क्या पालन उसका करा है, और आज जो लास्ट दिन है उसका क्या आप पालन? लगभग हमने कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज़र का, पूरे पार्क को सैनिटाइज़र कराने का, सारी कुर्सियों को रोज़ाना सैनिटाइज़र कराने का, उसके बाद लगभग सबको मास्क के लिए बोला गया था, लेकिन सबकी अब डोज कम्प्लीट हो चुकी है और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया है। तो ये थे हमारे साथ भोला शर्मा जी, उन्होंने बताया कि रावण दहन की विशेषता है और किस तरीके से पूर्ण किया जाता है ये कार्यक्रम। कैमरा पर्सन के साथ मैं ऋषभ चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश तेज होता जा रहा है। आज पिरान कलियर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें क्षेत्र की जनता को तमाम सुविधाएं दिलाने की बात कार्यकर्ताओं से कही गई। वहीं 18 अक्टूबर को कलियर विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा कर्नल अजय कोठियाल के आने की भी बात कही गई है। इंजीनियर शादाब आलम ने बताया कि 18 तारीख को कर्नल कोठियाल पहले धनोरी में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पिरान कलियर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज हमारी बूथ समीक्षा बैठक थी, जिसमें हमारे सारे बूथ अध्यक्ष आए थे यहाँ पर, और हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कर्नल साहब की, जो 18 तारीख को कर्नल साहब हमारे पीरान कलियर में तिरंगा यात्रा और रोजगार यात्रा के तहत तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें कर्नल साहब सबसे पहले ग्राम धनोरी में
शहीद कुमार सैनी के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उसके बाद पीरान कलिया शरीफ में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। उसके बाद हमारी सभा संबोधित होने के बाद हमारे कर्नल साहब चादरपोशी करेंगे साबिर पाक के मज़ार पर। असत्य पर सत्य की जीत कहे जाने वाले दशहरा पर्व पूरे देश में इसकी बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। तो वही रुड़की में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर बार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते सिर्फ रावण का पुतला और साथ में एक कोरोना का पुतला बनाया गया है। इस बार देखा जाए तो रावण के पुतले की ऊंचाई भी कम की गई है, क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम किया जा रहा है। रुड़की से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि रावण के पुतले की दहन की जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और रावण दहन भी इस वक्त तक चलने की पूरी गुंजाइश है। आपको बता दें कि इस बार जो चीज़ अलग दिखाई दी है वो ये है कि कोरोना का पुतला भी दहन किया जाने वाला है, कुछ ही समय में हो जाएगा। जी, नेहरू स्टेडियम में हमने बनाया है जी, एक रावण बनाया और एक बनाया है हमने वो कोरोना का। कितनी लंबाई है रावण की? लगभग रावण की लगभग 55 फुट लंबाई है जी। 55? 60? हाँ, 60। जैसे हर बार लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, इस बार कम है, क्या है कारण इसका? वो इस बार कम नहीं, कमेटी वालों ने जैसे हमें बताया हमने इसे बनाया जी। विजयदशमी के अवसर पर ऋषिकेश की हृदय स्थली त्रिवेणी घाट पर रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के छोटे पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें दिन में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सुभाष क्लब दशहरा कमेटी ने गंगा में विसर्जित कर दिया। मौके पर सीमित संख्या में ही श्रद्धालु रावण की पूजा के लिए पहुंचे। हर साल होने वाले रावण दहन का कार्यक्रम त्रिवेणी घाट पर नहीं होने से श्रद्धालुओं में काफी मायूसी भी देखने को मिली। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल भी दशहरा पर्व पर रावण दहन का कार्यक्रम नहीं किया गया था। तो ऋषिकेश में पुतले को, रावण के पुतले को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के छोटे छोटे पुतले बनाए गए थे, जिनको कि गंगा में विसर्जित किया गया है। पूजा अर्चना के बाद इनका विसर्जन गंगा में किया गया है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भी थोड़ा सा रोष दिखाई दिया है। श्रद्धालुओं का कहना था कि कोविड काल के दौरान भी दशहरा जो था वो नहीं मनाया जा सका था और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि विसर्जन किया गया है, पुतले का दहन नहीं किया जा सका। और लगभग जब से हमें 55 साल हो गया काम करते हुए रेगुलर, पिछले साल कोरोना के चलते और इस साल कोरोना के चलते पुतले थोड़े छोटे बनाए गए हैं, एक परंपरा निभाने के लिए कि जो परंपरा चली आ रही है पुतले की विजयदशमी पर मनाने की, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये पुतले छोटे करके बनाए गए हैं। और आज जो है विजयदशमी का दिन है तो छोटे पुतले ला करके यहाँ पे इनको लगाया गया। जैसे आप सबको भी पता है कि कोरोना टाइम के चलते हुए दहन नहीं हो रहा, रावण दहन सिर्फ विसर्जन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर पूजा के लिए छोटे छोटे रावण बनाए गए थे और उनका विसर्जन कर दिया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटी घटना का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड में हरिद्वार के लंढोरा रेलवे स्टेशन पर रेल लोको आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं उनकी तरफ से रेल रोको आंदोलन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई गई और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने रेल का चक्का जाम करने की बात कही है। तो अब लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, जिसमें किसानों को एक गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया था, आपको बता दें कि इस घटना में चार किसानों की मौत हुई थी और जिसके बाद जो प्रतिरोध हुआ उसमें चार बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, जिसके बाद देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। और मामले में जो मुख्य रूप से जो नाम निकलकर सामने आ रहा था वो गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का नाम था, जिनको बता दें कि अब उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब इसको लेकर अब इसका जो असर है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के लक्सर की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई और बताया गया कि 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान इसके लिए किया गया है। तो 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान जो है उसको चलाया जाएगा। यह किसान आंदोलन का ही एक विस्तारित रूप है, जहां पर अब रेल रोकने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। 18 अक्टूबर को इस कार्यक्रम को रखने की जो है पूरी बात कही गई है। आज इसको लेकर मीटिंग भी की गई और मीटिंग के बाद कहा गया है कि 18 अक्टूबर को रेल रोको
आंदोलन जो है उसको शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसको लेकर पूरी बैठक की है। बैठक के साथ ही कहा गया है कि 18 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसके तहत रेल रोको अभियान की शुरुआत की जाएगी। रेलों का चक्का जाम किया जाएगा जिससे अधिकारियों तक एक मैसेज पहुंच सके, एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि किसानों के साथ जो कुछ हुआ है लखीमपुर खीरी में, जिस तरीके का जो कथित जो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई जिससे किसानों की कुचल कर मौत हो गई, जिसको लेकर देश भर में जहां एक तरफ क्रोध और विरोध के स्वर एक साथ उठे थे देखने को मिले थे, तो अब यह मामला, यह पूरा असर उत्तराखंड पहुंच चुका है। ऐसे में उत्तराखंड से यह पहला मामला सामने आ रहा है जहां पर रेल का चक्का जाम करने की जो बात है वो कही गई है। लक्सर से तस्वीरें हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 18 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम किया जाएगा। जी एक बड़ी खबर भी है ये कि 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जाएगी जिसको लेकर आह्वान किया गया है। और साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकारियों पदाधिकारियों ने बैठक करके कहा है कि 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है अगर 18 तारीख को जो हमारा रेल रोको प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उसे हमने लंडोरा जो सेंटर पड़ता है हमारा स्टेशन, वहाँ हमने लिया पूरे जिले का, वो सेंटर पड़ रहा है, लक्सर से भी इतना ही पड़ेगा, चारों तरफ से वो इतना ही पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक जो भी आदेश ऊपर सा होगा वही आंदोलन यहाँ हरिद्वार में भी होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे किसी सूरत को भी। यहाँ मीटिंग रखी गई, प्रेस वार्ता रखी गई लक्सर के अंदर, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक आह्वान है कि जब तक वो मंत्री इस्तीफा नहीं देता और जेल नहीं जाता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। उसी क्रम में हमारा 18 तारीख को एक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था कि पूरे देश में रेल रोक की जाएगी। उसी में हमने यहाँ लंडोरा जो हमारा लंडोरा हमारा सेंटर पड़ता है, इधर खानपुर का भी, लक्सर का भी, बहादराबाद का भी, तो ये लंडोरा स्टेशन जो है वो हमारा सेंटर है, सभी लोग हमारे वहाँ आ जाएंगे, दूर दूर से भी लोग आवेंगे, तो वो लंडोरा स्टेशन पर रखा गया। हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक लंडोरा स्टेशन पर जाम करेंगे, रेलवे को जाम करेंगे और जब तक मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, इस्तीफा नहीं होगा, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आता रहेगा जनपद हरिद्वार में उसी तरीके से आंदोलन होते रहेंगे। क्योंकि ये सरकार जो है ये तानाशाहों की सरकार है, ये जिस तरीके से दरिंदगी लखीमपुर खीरी में करी गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। नैनीताल में दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में चल रहा माँ नयना देवी मंदिर में 65वां दुर्गा पूजन महोत्सव आज संपन्न हो गया। माँ के जयकारों के साथ दुर्गा माँ की गणेश भगवान समेत अन्य देवी देवताओं के साथ नयना देवी में परिक्रमा कर झील में विदाई दी गई। इसी के साथ ही माँ दुर्गा से प्रार्थना की गई माँ सरोवर नगरी नैनीताल के साथ ही देश प्रदेश को खुशहाल रखें, ये प्रार्थना की गई है। बता दें कि नयना देवी मंदिर परिसर में चल रहे माँ देवी दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डोला विसर्जन के बाद समापन हुआ है। दर्शकों, असत्य पर सत्य की जीत कहे जाने वाला दशहरा पर्व पूरे देश में आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं सितारगंज में भी दशहरा के पर्व पर रावण और कुंभकर्ण के पुतले को अग्नि दी गई। विधायक सौरभ बहुगुणा भी रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। बता दें कि सितारगंज के रामलीला ग्राउंड में हर साल रावण कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, क्योंकि इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा के उमाऊ शिव मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से विजयदशमी के अवसर पर हथियार और शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान आरती की गई और शिव मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज खटीमा अमाऊ क्षेत्र में शिव मंदिर पर विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन और कन्या कार्यक्रम रखा था हम लोगों ने आज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से विजयदशमी की समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पौड़ी के प्रेमनगर बिचली राय के ग्रामीण कुत्ते के डर से खौफजदा है। ग्रामीणों ने डीएम के पास जाकर मामले के बारे में उसकी पूरी जानकारी दी है। गांव का वो कुत्ता, उससे जो लोग परेशान हैं और साथ ही साथ डरे हुए भी हैं। कुत्ता कभी भी हमला कर लोगों को घायल कर देता है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने नगर पालिका और पशुपालन विभाग को मामले की जाँच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुत्ता गाँव के ही एक व्यक्ति का है, जो रोटविलर नस्ल का है। मामले में कुत्ते के मालिक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीएम साहब से मिलने के लिए आ रखे थे और हमारे जो मोहल्ले में है वो एक पालतू कुत्ता है, जिसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती है। इसलिए जो कुत्ते के जो वो है घर वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब ये हमें परमिशन नहीं दी है किसी को भी काटने, मतलब ये साहब है उनका। हम जा रहे हैं बोलने के लिए कि इनको मतलब इसको बाहर मत छोड़ो, सब लोग परेशान हैं आने जाने वाले। वो रास्ता ऐसा है कि मतलब आम रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तो हम इसी मुद्दे पे मतलब जैसे मिलने आ रखे थे तो डीएम साहब को मिलने आ रखे थे और बस हम चाह रहे थे इस कार्रवाई में जल्दी से जल्दी घर में रखा हुआ, जिससे आस पास के रहने वाले और नागरिक को समस्या उत्पन्न हो रही है। पशुपालन विभाग को, नगर पालिका को निर्देश दे रहा हूँ कि उस तत्काल उसमें जाकर उनका जांच करें कि क्या उनका पालतू पशु में कोई बीमारी तो नहीं है या फिर उससे कोई परेशानी आसपास हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे रहा हूँ। चारधाम यात्रा के लिए अब कम समय बचा है। अगले महीने चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे, जबकि मद महेश्वर मेला बृहस्पतिवार 25 नवंबर को आयोजित होगा। तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट शनिवार 30 अक्टूबर को 1 बजे अपराहन शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ही 20 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ कपाट के शीतकाल के लिए कपाट भी बंद हो जाएंगे। लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने जब से लक्सर तहसील का चार्ज संभाला है, उनकी तरफ से लगातार सभी विभागीय कार्यालयों के निरीक्षण किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से विभागीय अधिकारियों को अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। उसी कड़ी में लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पीएचसी सुल्तानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर उपजिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। कोविड की सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के संबंध में आज अभियान चलाया जा रहा है, उसके संबंध में आज सुल्तानपुर पीएससी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो एएनएम है उनको यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और सभी से जो से वार्ता करके इस कार्य को कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यहाँ पीएससी का निरीक्षण किया गया तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, तो यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट द्वारा ही जो है इसमें कार्य देखा जा रहा है, तो आज वो भी यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए। और तो यहाँ पर एक इसके अलावा एक जो जीएनएम है वो भी अनुपस्थित पाई गई, तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है इसमें रिपोर्ट भेजी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का 25 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा। अखाड़ा परिषद कार्यकारिणी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परिषद कार्यकारिणी ने प्रयागराज स्थित तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ा दारागंज में बैठक बुलाई है।
परिषद की प्राचीन परंपरा के साथ ही श्री निरंजनी अखाड़े से ही नए अध्यक्ष का चयन होगा। इसके लिए 7 अखाड़ों ने सहमति दे दी है। श्री निरंजनी अखाड़े से अध्यक्ष पद के लिए अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी दौड़ में सबसे आगे हैं। 20 सितंबर को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिधी का निधन हो गया था। उनके आकस्मिक निधन के बाद परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शास्त्री बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष परिषद के कार्यों का संचालन कर रहे हैं। साढ़े 4 साल पहले कांग्रेस के बागियों को लाकर प्रचंड जीत दर्ज करने वाली बीजेपी यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे की कांग्रेस में वापसी करने के बाद से खामोश है, लेकिन बागियों की सीटों पर टिकट का अरमान पालने वाले दावेदारों के चेहरे चमक रहे हैं। वो इसे अपनी राजनीतिक संभावनाओं के लिए अवसर की तरह देख रहे हैं। पार्टी की मनाही के बावजूद भाजपुर विधानसभा सीट के भाजपाई अपनी खुशी का इजहार करने से खुद को नहीं रोक पाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।